हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से। और आज हम एनवायरनमेंट की हमारी सीरीज में एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1981, वायु रोकथाम और प्रदूषण का नियंत्रण अधिनियम 1981 है, उसे पढ़ने जा रहे हैं। ये जो एक्ट है आपके यूपीएससी स्टेट पीसीएस में तो ये पूछा ही जाता है। अभी जो विभिन्न स्टेटों में जो एसीएफ का एग्जाम, जो फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम होता है, ठीक है, असिस्टेंट फॉरेस्ट सर्विस का जो भी आपका एग्जाम है, उसमें भी इस सिलेबस को मेंशन किया हुआ है। हम इसे हमारी जानकारी हम बेसिक से तो हम पढ़ेंगे ही, साथ में हम इस एक्ट में कुछ जो प्रोविजंस है उसको भी हम ध्यान से देखेंगे। चलिए हमारे इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, वायु प्रदूषण और निवारण नियंत्रण अधिनियम जो है, जिसे 1981 में बनाया गया था, 1981 में बनाया गया था, इसका मूल जो क्राइटेरिया था कि हमें करना क्या है। देखिए, 1972 में जो स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था, है ना, स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972 में हुआ था, जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो सम्मेलन था उसी का पार्ट था, है ना, जिसमें भारत ने भी भागीदारी की थी। और स्टॉकहोम कन्वेंशन में ये बात पूरे वैश्विक समुदाय के सामने रखी थी कि हमें पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संवर्धन और उसके सुरक्षा के लिए हमें कुछ करना होगा, और केंद्र सरकारों को ना केवल आर्थिक गतिविधियों पर ही ध्यान देना है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ना केवल इन तक ध्यान देना है, बल्कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो आप बिजनेस कर रहे हो, आपकी कोई फैक्ट्री लगा रहे हो, कहीं इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना, तो वहां से जो अपशिष्ट जो होता है, जो कचरा निकलता है, जो वायु में जो धूल धुआं वगैरह जो भी प्रदूषित जो कारक होते हैं वो फैलते हैं, उसके नियंत्रण के लिए भी कुछ कार्य करने की बात की है ना। इसके लिए वायु क्वालिटी जैसे था स्पेसिफिक, जो एयर एयर के लिए क्या करना है, तो हर उस समय विभिन्न देशों ने अपने अपने जो पार्लियामेंट सिस्टम है उसके द्वारा कानून पारित किया गया था, और भारत ने भी इस स्टॉकहोम कन्वेंशन की इसी बात को ध्यान में रखकर वायु प्रदूषण जो अधिनियम है उसकी रोकथाम के लिए 1981 में यह कानून पारित किया। और 29 मार्च 1981 से ये पूरे भारत में लागू हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि यह भारत गणराज्य के 32वें वर्ष में संसद द्वारा यह कानून बनाया गया था। ये मुख्य रूप से ये क्या है कि वायु की गुणवत्ता के लिए ऐसी उन सभी गतिविधियों को रोकना है जो वायु को प्रदूषित करती हो। अब देखिए, यहां पर एक बात आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि वायु, जल, ऐसे अन्य जो प्रदूषित जो है, प्रदूषण जिनसे होता है, ध्वनि प्रदूषण वगैरह, जो उनके लिए कौन उनको रोकेगा, तो उसके लिए संगठन बनाने थे कि हम कुछ बोर्ड बनाएं। जैसे कि सेंटर में आप देखोगे तो वहां पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, जबकि राज्यों में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है ना। लेकिन इन बोर्डों का जो गठन किया गया है वो वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 के अधीन नहीं किया गया है। उन बोर्डों का जो गठन किया गया है वो जल प्रदूषण जो हमारा एक्ट था, जिसे हम अगले वीडियोज में पढ़ने वाले हैं, वाटर जो पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट था, उसके तहत सेंटर में, केंद्र में तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण का बोर्ड का गठन किया गया, और राज्य में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का गठन किया गया था। अब इन बोर्डों को गठन तो जल प्रदूषण के तहत किया, लेकिन इन बोर्डों को कई अन्य एक्ट के, कई अन्य कानून थे उनके तहत शक्तियां दी गई। जैसे वायु प्रदूषण को रोकेगा कौन, तो उसके लिए किस बोर्ड को शक्ति दी गई, तो वो दी गई केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को, जिसका गठन जल प्रदूषण के तहत किया गया था, ठीक है। इसी तरह राजस्थान में भी जयपुर में अपना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, तो उसे भी वायु प्रदूषण के तहत शक्ति दी कि आप वायु को जो प्रदूषित जिनसे होता है उनको भी आप रेगुलेट कीजिए, उनको भी आप विनियमित कीजिए। तो ये आपको ध्यान में रखना। चलिए आगे बढ़ते, ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। वायु प्रदूषण जो इसका विस्तार जो है, ये कानून पूरे भारत में लागू है, ठीक है। ये हमारा 1981 का कानून है, ये पूरे भारत में लागू है। अब इस एक्ट में कहा है कि वायु प्रदूषण होते क्या है, वायु प्रदूषक क्या होते हैं, तो वायुमंडल में ऐसी सांद्रता, यानी ऐसी कोई जो सांद्रता है उसमें कोई भी हमारा ठोस, द्रव्य और गैसीय पदार्थ है, ठीक है, जिसके कारण हमारे मानव है, वन्य जीवित प्राणी है,
हमारी संपत्ति है, ठीक है, हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है या क्षति पहुंचाने की संभावना होती है, ऐसे सारे जो कारक होंगे वो वायु प्रदूषण कहलाएंगे। भले ही वो ठोस में हो यानी कण में हो, भले ही वो द्रव में हो, भले ही वो गैस में हो, जिनसे क्षति हो सकती है मानव को, जीवित प्राणी को, है ना, जो हमारी पर्यावरणीय संपत्ति है उसको उसको नुकसान हो सकता है या नुकसान होने की संभावना हो सकती है, तो वो सारे क्या कहलाएंगे, वायु प्रदूषक कहलाए जाएंगे, है ना। और ये सारे वायुमंडल में ही निहित होंगे, है ना। आगे देखो, इसमें आगे ये बात की गई है कि इसमें कोई ज्वलनशील सामग्री है, ऐसे कोई आप जिसको आप जलाओगे और जिससे वायु प्रदूषण हो रहा हो, है ना, वो भी इसमें शामिल होगी। और राज्य बोर्ड जिसको अधिनियमित करे कि ये भी शामिल होगा, तो वो भी शामिल हो सकता है। फिर अंतर्दहन इंजन जो होता है, जैसे कार है, कार से अगर धुआं निकल रहा है तो वो भी प्रदूषक की श्रेणी में आएगा, उसको भी रेगुलेट किया जा सकता है। जैसे आजकल आपने सुना होगा कि इनको रेगुलेट किया है कि हम भारत स्टेज 4 से सीधा भारत स्टेज 6 में जा रहे हैं, कि 2021 में जो है हम भारत स्टेज 6 की गाड़ियां ही हमारे बाजारों में मिलेगी। तो ये क्या था, ये अंतर्दहन इंजन यानी कार के द्वारा जो प्रदूषण होता था उसको रेगुलेट करने के लिए इस बोर्ड ने इस प्रकार की शक्ति इस शक्ति दी गई है कि वो उसको विनियमित कर सकती है, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ना ये। अब देखिए, अब इसमें ये प्रदूषकों की निगरानी वगैरह कौन रखेगा, तो उसके लिए कहा गया कि केंद्रीय बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसका गठन किया गया था जल प्रदूषण अधिनियम की धारा 3 के तहत। जल प्रदूषण की धारा 3 के तहत सेंटर में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होगा, वो ध्यान में रखेगा। और राज्यों में है, राज्यों में आगे है इसमें, राज्यों में है वो केंद्रीय अधिनियम, केंद्रीय जल प्रदूषण निवारण अधिनियम की धारा 4 के तहत राज्य बोर्डों का गठन किया गया है। 3 के तहत तो जल प्रदूषण निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया है, और धारा 4 के तहत राज्य बोर्डों का गठन किया गया है। इसमें चिमनियां भी शामिल की गई है, वो भी प्रदूषक है। आपने देखा होगा कि अलग अलग शहरों में, हमारे कानपुर की साइड में जाओ या अपने सूरत की साइड में आओ, तो बात ऐसी ऐसी चिमनियां हैं फैक्ट्रियों के ऊपर जिससे खूब सारा धुआं निकलता रहता है, तो वो भी प्रदूषक के रूप में इसमें शामिल की गई है। तो पहला पहला मोटा हमने ये समझा कि इस एक्ट में क्या प्रदूषक के नाम पर किने क्या कहा गया है, ठीक है, वो समझा हमने। अब देखिए आगे, अब ये देखो, इन दोनों को शक्तियां दी गई है, इसके तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को और राज्य प्रदूषण, इन दोनों को शक्तियां दी गई है। अब इन दोनों को क्या शक्तियां दी है, देखिए इन दोनों को ये शक्तियां दी है कि आप जो है वो किसी भी क्षेत्र को आप जो है वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, है ना। और कौन घोषित करेगा, तो राज्य सरकार। राज्य सरकार किसके सलाह पर करेगा, तो राज्य बोर्ड। अब देखिए, सेंटर में यदि सेंटर का कोई इलाका है जहां पर केंद्र सरकार का रेगुलेशन है, जैसे हमारा एनसीआर है, एनसीआर में भूमि के संबंध में, भूमि के उपयोग से संबंध में जो कानून बनाए जाते हैं वो हमारे केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। अब केंद्र सरकार किसी को जमीन अलॉट कर रही है या कोई कंपनी किसी को जमीन अलॉट कर रही है जिसमें देखा जा रहा है कि कोई फैक्ट्री लगने वाली है जिससे प्रदूषण होने वाला है, तो केंद्र सरकार जो है वो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श पर उस फैक्ट्री को विनियमित कर सकती है, रोक सकती है कि नहीं आप वहां प्रदूषण नियंत्रण नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने उसको प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, आप अब वहां पर ऐसे कोई फैक्ट्री नहीं लगेगी जिससे प्रदूषण होगा। इसी प्रकार राज्य सरकार, जैसे हमारे राजस्थान सरकार ने जो हमारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड था उसकी उसके परामर्श पर यदि जयपुर के किसी आसपास के क्षेत्र को प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर दिया, तो वहां पर ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं लगाई जाएगी जहां जिससे प्रदूषण होता हो, तो ये ध्यान रखना है। ऐसी इस प्रकार की इनको शक्तियां दी गई है, इसमें यही लिखा गया, ठीक है, इस प्रकार की इनको शक्तियां दी गई है। और राज्य सरकार अपने गेजेट में इस प्रकार के क्षेत्रों को दर्शाती है, इस प्रकार के क्षेत्रों को दर्शाती है, किसी क्षेत्रों को बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है, ठीक ना, तो ये ध्यान में रखना है। आगे आगे देखिए, अधिनियम में यह प्रावधान, आवेदन में यह भी प्रावधान किया गया है कि कोई फैक्ट्री जो है उसको राज्य सरकार की अनुमति जो है उसके अनुमति के बिना आप नहीं लगा सकते यदि उससे ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। आपको जैसे कहते हैं ना कि हमने अब तो बाइक और उनके लिए भी हम वो PUC लेते हैं, तो उसी प्रकार कंपनियों को भी अपने जो विभाग होते हैं पर्यावरण के विभाग या सेंटर में मिनिस्ट्री होती है, उनसे वायु प्रदूषण जो नियंत्रण होगा उसका उनको उनको क्या होना, उनको जो सर्टिफिकेट है वो लेना जरूरी है, ठीक है। तो केंद्र सरकार को राज्य सरकार को भी, राज्य सरकार एक तो वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकती है, इन प्रदूषित जो क्षेत्र है उसमें औद्योगिक इकाई को रोक सकती है कि आप फैक्ट्री नहीं लगा सकते हैं, ठीक है।
और औद्योगिक इकाई यदि स्थापित की जाती है, राज्य सरकार मान लीजिए अनुमति दे देती है किसी अन्य क्षेत्र में, तो उनको अनापत्ति नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा, सैंपल इकट्ठा कर सकती है, ठीक है। उस जो हमारी जो कंपनियां लगी है कहाँ पर, कोई भी फैक्ट्री लगी है वहां पर जाकर वो वायु प्रदूषण के नमूने ले सकती है ना, नमूने ले सकती है, फिर आगे क्या उनकी जानकारी ले सकती है, प्रवेश कर सकती है, प्रवेश करके निरीक्षण कर सकती है कि यदि हमारे जो हमारा महिंद्रा जो कंपनी का जो कारखाना है भिवाड़ी में जहाँ पे भी है, वहाँ यदि कार की फैक्ट्री, तो वहाँ जाकर निरीक्षण कर सकती है कि आप बताइए आप किस प्रकार का इंजन बना रहे हैं, और इनको यदि अंदर जाने से रोका जाता है ना, प्रदूषण नियंत्रण, हमारे जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उनको जाने से रोका जाता है, तो वो न्यायालय में भी जा सकती है कि हमें रोका गया, तो न्यायालय वो फिर आदेश पारित कर सकता है, नमूने का परिणाम जारी कर सकती है, फिर राज्य में कहीं भी राज्य वायु प्रयोगशाला जो है उसकी स्थापना की जा सकती है कि नमूना तो लिया, हम नमूना टेस्ट का करेंगे, तो उसके लिए राज्य वायु प्रयोगशाला की स्थापना करने की भी शक्ति वायु प्रदूषण अधिनियम में है, ठीक है। फिर विश्लेषकों की नियुक्ति कर सकती है कि इन नमूनों को कौन टेस्ट करेगा, तो विश्लेषक, तो विश्लेषकों की भी नियुक्ति हो सकती है, और राष्ट्रीय हरित जो प्राधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, जिसको 2010 में स्थापित किया गया था, उसमें भी वो अपील कर सकती है, उससे सहायता प्राप्त कर सकती है। तो दोस्तों ये आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो वायु प्रदूषण जो एक्ट है वो मुख्य रूप से वायु से संबंधित, वायु में जो प्रदूषक है उनसे संबंधित उनको रोकना है। उनको रोकने के लिए कौन रोकेगा, तो केंद्र में केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उनको शक्तियां दी गई है। अब ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण जो बोर्ड है उसके बारे में हम जल प्रदूषण जो एक्ट है उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि उस एक्ट के तहत उन दोनों संस्थाओं का गठन किया गया है, तो हम उसमें ही पढ़ेंगे। तो आपने इसको समझा, आप इसको दोबारा पढ़िए, दोबारा रिवाइज कीजिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। आपने सुना, उसके लिए आपका आपका बहुत बहुत धन्यवाद।